आखिरकार बड़ी जंग के लिए ग्रीन आर्मी का हुआ ऐलान। वर्ल्ड कप में बाबर को मिली कमान। इंजर्ड नसीम शाह की जगह हसन अली हुए शामिल। जद्दोजहद के बाद स्क्वाड पर हुआ तामील। और अब जब टीम सामने आई उसके कुछ देर बाद नसीम शाह का दर्द भी छलक गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर अपना दर्द बयां किया कि उन्हें कितना बुरा लग रहा है कि वो वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं है। महासमर के लिए अब तैयार है बाबर की आर्मी। भारतीय सरजमी पर शुरू होने वाली है उनकी जर्नी। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम की कमान बाबर आजम के हाथों में, जबकि एक हैरान करने वाला फैसला ये है कि टीम की उप कप्तानी ऑलराउंडर शादाब खान को दी गई है, जिनका हाल ही में एशिया कप में प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि उनकी वर्ल्ड कप की टीम से छुट्टी भी हो सकती है, लेकिन पीसीबी का कुछ और ही मानना है। सोशल मीडिया पर नसीम शाह ने लिखा कि बहुत भारी मन से मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि मैं इस शानदार टीम का हिस्सा नहीं रहूंगा जो मेरे प्यारे मुल्क को रिप्रेजेंट करने जा रही है। मैं बहुत निराश हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। इंशाल्लाह मैं जल्द ही मैदान पर वापस लौटूंगा। मेरे सभी फैंस को दुआओं के लिए शुक्रिया। वही वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी टीम को बड़ा झटका लगा है। दरअसल उनके स्टार फास्ट बॉलर नसीम शाह टीम से बाहर हो गए। एशिया कप के दौरान नसीम इंजर्ड हो गए थे और वर्ल्ड कप तक उनके फिट होने की संभावना काफी कम है। ऐसे में उनकी जगह एक्सपीरियंस तेज गेंदबाज हसन अली को मौका दिया गया है। वही पाकिस्तानी स्क्वाड में शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और सलमान आगा टीम का हिस्सा है, लेकिन ज्यादातर फैंस को ये उम्मीद थी कि शाहीन अफरीदी को टीम का उपकप्तान बनाया जाएगा, लेकिन वो टीम में तो शामिल हैं, लेकिन शादाब खान उपकप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। पाकिस्तान ने काफी दिलचस्प अंदाज में अपनी टीम का ऐलान किया। पीसीबी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर किया। इसमें वर्ल्ड कप 2023 में खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट और उनके वीडियो शामिल किए गए हैं। कप्तान बाबर आजम के साथ साथ फखर जमान, इमाम उल हक और मोहम्मद रिजवान भी टीम का हिस्सा है। इफ्तिकार अहमद और सलमान आगा पर भी सिलेक्शन कमेटी ने भरोसा जताया। युवा प्लेयर मोहम्मद हारिस और सऊद शकील भी टीम का हिस्सा है। इमाद वसीम आपके होने चाहिए थे, क्योंकि यार वो बंदा कहीं ना कहीं आपके नवाज से तो बेटर है। मैं सही बताऊं तो आपका स्पिन डिपार्टमेंट ही सबसे ज्यादा वीक है, तो आप कहीं ना कहीं उसमें तो बदलाव करो, या बस एक फोर्स इंजरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस क्या करना। मोहम्मद आमिर नहीं आ सकते, आपके सरफराज नहीं आ सकते, आपकी दूसरी हम बात करते फिर आपके इमाद वसीम नहीं आ सकते। अब आप बोलो कि सरफराज आखिरी वनडे कब खेला था आपको पता ही नहीं है। वही जब से बाबर कप्तान बना उसने मौका दिया किसे है भाई, वही तो उसने अपनी ये टीम बनाई है ना भाई। भाई ये टीम बनाई एशिया कप में आपने देख लिया क्या हाल होता है? बस एशिया कप ही थोड़ी करना है आपको, और उसके अलावा आपने वर्ल्ड कप देख लिया, T20 वर्ल्ड कप देख लिया, नहीं जीत पाए ट्रॉफी वर्ल्ड कप तो आप फाइनल तक तो बस उसामा को लिया है टीम में, फहीम को बाहर कर दिया, अबरार को ला सकते थे टीम। उसामा की जगह पर अगर बाबर अबरार को कर देते तो थोड़ा सा एक मिस्ट्री एलिमेंट आ जाता। उसामा आपने देखा था, उसामा बहुत छोटी पटक रहा है, बहुत छोटी पटक रहा और कुछ आपको नहीं दिखा। अबरार एक मिस्ट्री एलिमेंट कैरी करता है, और नवाज आपका बुरी फॉर्म से वैसे ही चल रहा है, शदाब आपका इस समय पर बिल्कुल लो क्वालिटी हो रखा है बिल्कुल। तो आपको अपनी स्पिन डिपार्टमेंट भैया आपको यार एक स्पिनर जरूर बदलना था। ये मेरे को ये मेरे तो ये पर्ची वाली चीज हो गई कि तीन खराब कर रहे हैं, कोई बात नहीं हम पे ऑप्शन ही नहीं है। भाई दो बंदे होने चाहिए टीम में, एक इमाद एक सरफराज। आमिर को रखना था ना रखा तब भी सही, रख लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी उनकी। और जमान खान को आप अंदर ला सकते थे स्क्वाड के, मोहम्मद हसीम जूनियर के, उस बंदे ने फाइनल ओवर क्या ही डाला था, वो भी किस्मत का चौका चला गया था वो। वही चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक को भी बुरा लग रहा था कि नसीम शाह इस टीम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जब उनसे नसीम शाह के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो इंजमाम उल हक ने कहा कि नसीम शाह दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से चोटिल हो गया, वो हमारा अहम गेंदबाज है, हेस्टन की एडी का ऑपरेशन हुआ है और एहसान उल्लाह की कोहनी का ऑपरेशन हुआ है, चोटों की समस्या के चलते तेज गेंदबाजी के लिए हमारे पास लिमिटेड विकल्प भी थे, हसन अली ने लंका प्रीमियर लीग में बढ़िया गेंदबाजी की थी इसलिए उन्हें चुना गया। दोस्तों नसीम शाह वर्ल्ड कप से बाहर होने पर बहुत ज्यादा अफसरदा हैं और सोशल मीडिया पर बयान जारी कर दिया। नसीम शाह ने इंजरी के बायस आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए टीम में ना शामिल होने पर अफसरदगी का इजहार किया है। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने पाकिस्तानी टीम का ऐलान करते हुए कहा कि नसीम शाह वर्ल्ड कप से बाहर होना हमारे लिए बड़ा धचका है, लेकिन ये गेम का हिस्सा है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें।